बहुत सालों पहले कुंदल देश में आनंद वर्मन नाम का राजा रहता था। अपने राज्य के वासियों को अपने खुद के बच्चों जैसा देखभाल करते थे। ऐसे में एक रात को राज्य कार्य सबको संपर्क करके आराम करने के लिए राज्य वर्मन अपने कमरे के पास गए। अपने खटिए में जैसे सो रहे थे, रजाई में कुछ सरकने की एहसास उन्हें हुई। उठकर जैसे ही उस रजाई को उन्होंने खींचकर देखा तो उसमें हिसहिसाता हुआ एक बहुत बड़ा सांप उन्होंने देखा। तुरंत उन्होंने अपने तलवार को निकालकर उस सांप को मार डाला। अगले दिन अपने मंत्री को बुलाकर, महामंत्री, कल रात जब मैं सो रहा था तो रजाई के अंदर एक बहुत बड़ा सांप था। चूंकि मैं स्मृति में था तो मैंने उस सांप को दे मारा, ऐसे उन्होंने कहा। उस पर मंत्री ने, महाराजा, शायद आपको मार डालने के लिए ही किसी दुश्मन ने षड्यंत्र रचा है। संदेह नहीं है, हम कौन हैं इसे ढूंढ निकालते हैं। तब तक आप सावधान रहिएगा, ऐसे उन्होंने कहा। तब महाराजा ने, महामंत्री, मेरे कौन दुश्मन है? कौन मुझसे इतना नफरत करता है? ऐसे उन्होंने पूछा। महाराजा जी, हर सप्ताह कौशल देश से जासूस आते हैं, उनके विषय में हमें सावधानी बरतनी होगी, ऐसे सब हमें बताते हैं ना। जो भी हो, जब तक हमें ये राजद्रोही नहीं मिल जाता, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सावधानी बरतिएगा, ऐसे उन्होंने कहा। जैसे वो बात कर रहे थे तब वहाँ पर पुजारी आकर महाराजा ने उन्हें थोड़ा प्रसाद दिया। जैसे ही महाराजा उसे खाने के लिए गए, महामंत्री ने उसे रोककर उस प्रसाद को एक बिल्ली को दे दिया। बिल्ली उसे खाकर फौरन मर गई। प्रसाद में विष मिला हुआ था, ये निश्चिंत हो गया था। तुरंत महामंत्री ने रसोईया को बुलवाकर भेजा। रंगा, तुम कितने वर्षों से राज्य रसोईया बने हुए हो, तुम पर हमें कितना भरोसा है? तुम्हारा बुद्धि ऐसा क्यों गया? प्रसाद में तुमने विष क्यों मिलाया? किसने कहा ऐसे करने के लिए? ऐसे बहुत कठोरता से उन्होंने पूछताछ की। तब रंगा ने, माफ कर दीजिएगा मुझे, एक आदमी मेरे पास आकर मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा था और मेरे प्रसाद में उन्होंने विष मिला दिया था। पहले 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिया और बाकी काम होने पर देने के लिए कहा, ऐसे उसने सच्चाई बता दी। बस यही नहीं, अपने पास के जो 1,000 स्वर्ण मुद्राएं थे उसे उसने महाराजा को दे दिया। महाराजा, राजद्रोही कौन है मुझे इसकी पता चल गई। आज रात को उस कारीगर के पास जाकर कल जो दंड हम देने वाले हैं उसकी तैयारी कर देता हूँ, ऐसा कहा महामंत्री ने। लोग जमा हो गए राजद्रोही को देखने के लिए। सब लोग बहुत ही उत्सुकता में थे। अगले दिन महामंत्री ने राज्य दरबार में एक आदमी को लाकर खड़ा कर दिया। महाराजा, उस रात को जब आप सो रहे थे तब रजाई के अंदर जो बड़ा सांप भेजा था वो यही आदमी था, ऐसे उन्होंने कहा। महाराजा आश्चर्य होकर, क्या ये तो हमारे राज्य का सैनिक है ना? इसका मतलब तो ये हुआ तो वो रसोईया भी तो हमारा राज्यद्रोही ही हुआ ना? इसका मतलब ये दूसरा राज्यद्रोही है, ऐसे उन्होंने पूछा। उस पर महामंत्री ने, महाराजा, रसोईया को राजद्रोही बनाकर सचमुच का राजद्रोही को मैंने ढूंढ लिया है। आपके प्रसाद में विष नहीं मिलाया था, मूर्छित होने की दवाई। वो बिल्ली मरी नहीं थी, बस मूर्छित हुई थी। मैंने ही रंगा को नाटक खेलने के लिए कहा था, ऐसे उन्होंने कहा। महामंत्री, आप ऐसा नाटक क्यों किया? महाराजा, आप सच्चाई जानोगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। राजद्रोही के रूप में आपको रसोईया मिलेगा तो सचमुच का राजद्रोह हम बच गए ये सोचकर वो खुश हो जाएगा। बस यही नहीं, पैसों की लालच में सच्चाई मानने वाले रसोईया, मुझे भी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा ये सोचकर उसने खुद आकर सच्चाई बता दी। महाराजा, बस यही सच्चाई है। कौशल देश से जो जासूस आए थे वो हमारे सैनिकों के तरह, इसीलिए मैंने उन्हें फौरन पकड़ लिया। मैंने जैसे सोचा वैसा ही हुआ। महल के बाग में इस चापलूस को मैंने पकड़ा, खींच कर मैं उसे आपके सामने लाया हूँ। बस यही नहीं, आपके रजाई के अंदर जो सांप भिजवाया था वो यही है, ऐसे उन्होंने कहा। उस पर महाराजा ने, महामंत्री, आपके इस बुद्धिशालिता से आपने राजद्रोही को पकड़ लिया है, ऐसे उन्होंने प्रशंसा की। उसके बाद राजद्रोह किए कौशल देश के जासूस को
कारीगर में बंद कर दिया। राजद्रोह को पकड़ने में मदद करने के लिए रंगा को ढेर सारे भेंट भी दिया। Hi kids, hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook.